गुड मॉर्निंग बाबू, क्या हो रहा है? क्या बन रहा है मॉर्निंग स्पेशल? क्या वाह, मस्त लग रहा है यार। अभी हमारा लैंग्वेज है ना, सबसे बेस्ट होता है। अपना लैंग्वेज, हस्ता लैंग्वेज है ना, कोई मतलब नहीं, कुछ से बोल दो। जो अपना लैंग्वेज भूंजे के पड़ी, खाए के पड़ी, कौन बोलता है इसे? भूंजे के पड़ी नहीं हम लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं भूंजे पड़ता। भूंजे पड़ता हुआ पड़ता हुआ भूंजता है। आन का बड़ा तुम्हारे का नहीं बढ़ रहा है, जहाँ 100 रुपये चोरी करती थी आजकल 200 रुपये चोरी करती है। अरे यही तो गलत बोल रहे हैं, पहले जहाँ 100 रुपये चोरी करते थे वहाँ 10 रुपये भी नहीं। सब चीज़ तो ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हैं, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। किनका किनका कंटिन्यूसली आप लोग कर ले रहे हैं वो 32 बार इंटरमीटेंट फास्टिंग, और कौन कौन है जो कि नहीं कर पा रहा है वो भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हो सके जितना भी हो सकेगा आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी। वैसे मेरा भी बस आपके जैसा ही हाल है, कभी हो पा रहा कभी नहीं हो पा रहा। जैसे कि आज शनिवार का दिन है और सुबह का टाइम है और मैं मेरे बच्चों लोग के लिए बना रही थी यहाँ पर नाश्ता। सोच के तो बैठी थी कि मैं नहीं खाऊँगी, लेकिन फिर मैं भी डगमगा सी गई, क्योंकि होता है बनाते बनाते हो जाता है। और दूसरी बात कि रीज़न ये भी है ना कि मेरा वज़न अभी ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है ना, तो बस इसी में मैं कभी कभी फंस जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, बच्चों के सामने, हस्बैंड के सामने कमज़ोर सी पड़ जाती हूँ, इतना वो लोग प्रेशर देते हैं कि पड़ जाती हूँ। ऐसा और किन के साथ होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर चलिए वीडियोज़ को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी चाय। सैटरडे के दिन हमारे घर में बच्चों की ही फरमाइशें चलती हैं सुबह सुबह नाश्ते वाली, तो बस उन लोगों को यही पसंद है, तो इसके लिए मैं बना रही हूँ चाय। यहाँ पर पत्ता गोभी वगैरह थी नहीं, क्योंकि पिछले रात ही मैं उसकी भुजिया बना ली थी और सब्जी भी बना ली थी, तो वो बचा हुआ नहीं था और बिल्कुल भी ध्यान में नहीं था कि चाव वगैरह कुछ ऐसा बनाना है, तो इसीलिए बस सोयाबीन तो हमारे घर में हमेशा ही होती है, तो उसी को डाल करके बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ चाव। और अभी घर का काम काज कुछ भी नहीं हुआ है, तो बस इसे बना करके पूरे घर का काम कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड जी आज घर में ही थे, ये भी घर में ही थे क्योंकि इन्हें ना बाहर जाना था, तो इसीलिए आज ये घर में ही थे, तो बस पूजा पाठ करेंगे, नाश्ता करके ये बाहर निकल जाएंगे। और दूसरी बात कि हमारे तरफ ना इतना बारिश हो रहा है ना, क्या बोले, साइक्लोन आने की वजह से आज अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज तीसरा या चौथा दिन है, अभी तक हम लोगों ने ना धूप देखा ही नहीं है, बस अंधेरा सा है, बारिश कम होती है और ज़्यादा होती है, बस यही हो रहा है, जिसके चक्कर में व्लॉग भी बन भी नहीं पा रहा और जा भी नहीं पा रहा क्योंकि लाइट ही नहीं रह रही है। कल तो हमारे घर में पूरा बिल्कुल भी लाइट नहीं था और आज भी लाइट नहीं है, थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए रात में आया था, तो बस फ़ोन को चार्ज की हूँ, इन्वर्टर जितना चार्ज हो सका है हुआ है। सो फ्रेंड, अभी तो भाई हमारा पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, उसके बाद फिर मैं तो देखिए 2 मिनट में रेडी हो गई हूँ। अरे हमारे घर में ना जस्ट उल्टा होता है, मैं बहुत जल्दी रेडी हो जाती हूँ और ये बहुत देर से रेडी होती है। मेरे लंबे बाल हैं लेकिन फिर भी बस आधा मिनट भी नहीं लगता है, और इनको दोनों बाप बेटे को ऐसा क्यों हाँ ऐसा क्यों? I don't know। अच्छा तुम भी ठीक? मेरा बेटा का भी यही हाल है, वो भी कुछ इसी तरीके से है, उसका भी यही हाल है। और आज मैं इनके वजह से, इन लोगों के वजह से एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई, घर में होने से ही इनका यही हाल होता है। अभी ये तैयार हो गए हैं, पूजा पाठ हो गया है और अभी ये बाहर जाने वाले हैं, तो लाए नाश्ता, बोलिए लेकर आते हैं इनके लिए नाश्ता। और आज हमारे घर में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, और सच पूछिए तो आज मेरा भी ना थोड़ा सा चीट डे करने का मन कर रहा है, बड़ा मन हो रहा है कि मैं भी चाउमीन खाऊँ, और आज 6ठा दिन है तो मैं भी थोड़ा सा ना खा लेती हूँ चाव, क्योंकि बहुत मन कर रहा है कि खाएं, तो चलिए उसे भी हम लोग 32 बार च्यू करके खाते हैं। और
रात से ना, रात से ही हमारे तरफ बहुत भारी बारिश हो रही थी। और हाँ, सब मुझे याद आया, सबसे पहले तो हम आप सभी को हमारे झारखंड के तरफ से कर्मा पूजा की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। सबका कर्मा पूजा अच्छे से हो। वैसे हम लोग भी ना शादी से पहले मैं भी किया करती थी, लेकिन जब यहाँ आई ना ससुराल में, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन अब सुनती हूँ कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कर्मा पूजा करते हैं, तो अब छूट गया तो बस छूट गया, कर ही नहीं पाती हूँ। तो मुझे याद भी नहीं था कि आज कर्मा पूजा है। आज बहुत सारे लोगों का स्टेटस देखी तो फिर समझ में आया कि वो आज कर्मा पूजा है। तो भाई आप सभी को कर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग, और हम सभी के भाई ऐसे ही हंसते खेलते और बस स्वस्थ रहे, और सभी का ऐसे ही ख्याल रखते रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाक से उनको नाश्ता दे देते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है, उन्हें जाना है बाहर किसी काम से। तो बस फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता लग गया है। यहाँ पर देखिए हम लोग दोनों का नाश्ता लग गया है। मेरी हस्बैंड जी की प्लेट, मेरी प्लेट, मेरी प्लेट में मिष्टी भी खाएगी और साथ ही चाय। चाय के बगैर मेरे हस्बैंड का होता नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ही चाय होता है, ज़्यादा चाय भी नहीं होता है, एकदम बस यहाँ तक, एकदम थोड़ा सा। मतलब हम लोग जो एक बार पीते हैं ना, वो दो से तीन बार पीते हैं उतने चाय में। तो चलिए पहले उनको दे कर आते हैं, उसके बाद। हमेशा यही होता है, लेकर मैं आती हूँ अपने लिए, अरे खा जाती है। मैं एक चम्मच ही, दो चम्मच तो धोए भी आज कपड़ा। बाप रे बाप, अपना एक टी शर्ट खंगाली है, गमछा पैंट, दो टी शर्ट। तो हम जाकर देखेंगे कि कैसा धुलाया है। चलिए फिर खा लेते हैं, इसे ही खिला रही थी, इतना भी खाने दो भी ना। तो फ्रेंड अभी टाइम हो चुका है, 2:45 बजने वाले हैं, और हस्बैंड जी आ चुके हैं पूरे बारिश में भीगते भीगते हुए। और मैं यहाँ पर बना ली थी हमारा सैटरडे स्पेशल खिचड़ी, और साथ ही आज मैं मेरे पसंद का बनाई हूँ चोखा। इस तरीके से ना चोखा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब लाल मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर लो, और उसके बाद तो मिष्टी यहाँ खा रही है और मैं चोखा बना ले रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी जिन्हें जिन्हें खाना है। और हाँ, अब चोखा को लेकर भी बहुत बार आते हैं कमेंट कि चोखा नहीं, सॉरी, खिचड़ी को लेकर भी बहुत बार कमेंट आते हैं कि खिचड़ी को हम 32 बार कैसे खाएं। तो ये बिल्कुल ये सही बात है कि खिचड़ी को हम लोग 32 बार नहीं खा सकते हैं। तो आप इसे मतलब धीरे धीरे करके खाएं। पहले मैं क्या करती थी ना, इसे सैलेड के साथ खाया करती थी। वैसे ही जब मैं नया फर्स्ट टाइम कर रही थी ना, तो इसे भी मैं ना खिचड़ी को भी 32 बार ही चबाती थी, सैलेड ले लेती थी उसके साथ चबाते रहती थी, कुछ कुछ तरीके से खाती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं वैसा नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि खिचड़ी तो ऑलरेडी सॉफ्ट है ही, बस इतना 32 बार चबाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही चबाइए कि जिससे क्या होना कि अच्छे से ये हो जाए। 32 बार चबाने का कुछ वैसा ज़रूरत नहीं है। खिचड़ी वैसे भी हेल्दी होती है और स्वादिष्ट भी होती है। तो ये रही हमारे हस्बैंड जी की थाली, लग गई है ये चने की दाल, और साथ ही मूंगफली की चटनी है, पापड़ है, और यहाँ पर चोखा है। ऐसे वाला चोखा तो इनको पसंद नहीं है, पता नहीं खाएंगे या नहीं, तो मैं नहीं जानती। और मैं चोखा दे बेटा, ये वाला लूँगी। सोनू दे खिचड़ी थोड़ा सा, रेड कर दिया। तो मैं भी ले रही हूँ, और आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ जिन्हें भी खिचड़ी पसंद है। मुझे खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। हाँ, बनाने का तरीका खैर खिचड़ी का बहुत अलग अलग तरीके से होता है। अभी देखिए मैं अभी बिना हल्दी वाला खिचड़ी बनाती हूँ, करी पत्ता और सरसों डाल करके, प्याज ज़्यादा मात्रा में डाल करके, और ठंड के समय में पूरे तरीके से सब्जियाँ वगैरह डाल करके बनाती हूँ, तो उसका एक अलग स्वाद होता है। तो बस कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि मुँह में आ रहा है पानी, अब खाते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड अभी खिचड़ियाँ वाला कहाँ, शाम का समय था, शाम के यही 8 बज रहे होंगे। हाँ, रात हो गई थी क्योंकि मैं खा ली हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ पर बनाने लगी थी इन लोगों के लिए खाना। अभी मैं ऐसा ही करती हूँ, सबसे पहले मैं अपना खा लेती हूँ, उसके बाद ही इन लोगों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि ये लोग गरम गरम खाते हैं और थोड़ा सा लेट से भी खाते हैं ना, तो इसलिए मैं खा लेती हूँ। मैं अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग को पूरा की थी
डिनर के साथ जो कि था खिचड़ी। खिचड़ी मैं दिन में भी खाई थी और रात में भी उसी को खा ली थी, थोड़ा सा और पतला सा ग्रेवी कर ली थी थोड़ा सा और उसे ही मैं खा ली थी। क्योंकि जितना हेल्दी खाइए, जितना कम खाइए रात में, उतना ही आपका अच्छे से वज़न कम होगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए यही होता है। आजकल तो सबसे ज़्यादा चल गया है, आप किसी का भी इंटरव्यूज़ वगैरह देखिए, सबसे ज़्यादा जो वेट लॉस हो रहा है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के द्वारा ही हो रहा है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग भी इसे करके अपना अच्छा खासा वज़न कम कर सकते हैं, और साथ ही 32 बार तो है ही, उसे भी करिए और इसे भी करिए। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज दिन है रविवार का और कल ब्लॉग को मैं पूरा भी नहीं कर पाई। रीज़न यही है ना कि हमारे तरफ कंटिन्यूसली दो दिन से बारिश हुए जा रही है ना मिस्टर, कटे जा रहा, लाइन कटे जा रहा। हाँ, इसीलिए बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि मैं आप सभी को हमेशा बोलती हूँ कि इस मौसम में बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता है। तो आज संडे है, जैसे संडे के दिन हमारा सब कुछ लेट 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 से होता है, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, क्या बोलूँ कितना टाइम हो गया है, 12:30 बज गया है और अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ पोहा और साथ ही यहाँ पर ये भी कर रहे हैं। वैसे मिस्टी तो बहुत पहले ही नाश्ता कर लेती, लेकिन फिर भी हमारे साथ खा रही है पोहा। और आप सभी की तरफ भी मौसम ऐसे ही है क्या? कमेंट करके भाई ज़रूर बताइएगा। हमारे तरफ तो बहुत ही गंदा वाला मौसम हो रहा है, किसी का मन नहीं लग रहा है। ऊपर से हमारे तरफ गणेश पूजा का मेला भी लगा हुआ था, सारे लोग प्लानिंग बना के थे कि आज के दिन जाएंगे, लेकिन बस मौसम ही ऐसा कर दिया है ना कि बिल्कुल मन नहीं हो रहा ना। जाना है ना? नहीं होगा। अब मन नहीं होता है बेटा, अब मन नहीं करता है। हम लोग भी जब छोटे थे ना तो हम लोगों को भी मन करता था जाने का, लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए तो मन नहीं करता है। आप लोग में झूलते हैं, हम झूलते हैं। हमें लगता है ना भीड़ में क्या जाए, भीड़ इतना भीड़ ही होता है ना कि मन नहीं होता है, लेकिन बच्चों की वजह से जाना तो पड़ता ही है। देखते हैं, अभी रहेगी मेला कुछ दिनों तक, देखते हैं कब जाते हैं, है ना मिस्टी? तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, खा लेते हैं। और आप सभी की संडे कैसे गुजरती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा तो बस ऐसे ही सुबह से लेट 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 सब कुछ होता है, तो बस लेट ही होते जाता है, है ना मिस्टी? चलिए खाते होते हैं, उसके बाद फिर अभी राजमा मैं चढ़ा करके आई हूँ, आज हमारे घर में बनेगा राजमा पुलाव। यस, ओहो, तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। हुआ बाबू, ये कैंडल में खाना बना रहे हो अंधेरे में? सो फ्रेंड, हमारे घर में, हमारे तरफ में ऐसा झारखंड में मौसम ही कर दिया ना कि सुबह में मैं जो बनाई व्लॉग, उसके बाद फिर हम लोग बस खाना बनाए ही नहीं, बस जो सो था ना उसी में खाओ करके कर लिए। और दिन में ही मैं राजमा को बॉईल कर दी थी, तो बनाने तो होगी ही, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, शाम के 6:30 बज गए हैं, ऐसे ही कुछ हो रहा है और बहुत अंधेरा, और साथ ही हमारा इन्वर्टर भी अब जवाब दे दिया, हमें लगा नहीं कि जैसे कि लाइट आएगी ही नहीं, इसीलिए हम लोग बाहर अंधेरा सारा दिन एकदम इन्वर्टर का यूज़ किए और अभी अंधेरे में है। चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी साल बाद ऐसा हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है। राजमा पता नहीं कैसे कलर आ रहा, क्या आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी साल बाद हो रहा है ऐसा कि हम लोग अंधेरे में खाना बना रहे हैं, अंधेरा नहीं मतलब कैंडल में बना रहे, एक तरीके का कैंडल का डिनर हो गया हमारा। भैया लोग पैसे दे कर जाते हैं कैंडल लाइट डिनर करने, हम लोग फ्री में ही आज करेंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा यानी कि 100 ग्राम पनीर है, सोचे चलो इसे भी क्यों ना डाल देते हैं इसी में, ताकि खाने में स्वाद आ जाए। और आजकल हमारे घर में ना पनीर को फ्राई करके डालने नहीं देते हैं, बोलते हैं बस ऐसे ही डाल दो, ऐसे क्या आता है, ज़्यादा स्वाद आता है। ऐसे ही लोगों को ज़्यादा स्वाद लगता है, तो इसीलिए बस ऐसे ही डलवाते हैं। तो चलिए यहाँ पर डाल देते हैं गरम मसाला, जो कि मैं अभी कूट कर रखी थी, इसे डाल देते हैं। और साथ ही यहाँ पर डाल देते हैं पनीर को, और उसके बाद फिर घी से तड़का लगा देते हैं।
इसको बंद करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं। चलिए अब पक गया है, अब इसमें डालते हैं धीरे धीरे से कलर के लिए और स्वाद के लिए, और साथ ही डाल देते हैं इस पर थोड़ा थोड़ा सा पनीर बचा कर रखी थी तो बोली चलो डाल देते हैं, इसे भी दिखने में खूबसूरत लगेगा। कटोरे मतलब किसी में निकाल लेना चाहिए था ना, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे वाह बाबू गजब, लेकिन मस्त लग रहा भाई, मस्त लग रहा है। हाँ बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। आज पूरे तरीके से एकदम कैंडल लाइट डिनर आपको करवा ही देना है। अरे यार एकदम मुंह में पानी आ गया है, फटाफट जल्दी निकाल जल्दी निकाल जल्दी निकाल, पूरी निकालो जल्दी से, ढक देते हैं। सो फ्रेंड हमारा खाना बनकर हो गया था तैयार। वैसे तो मुझे राजमा और चावल ही बनानी थी सिर्फ, लेकिन रात का समय था और बहुत ठंड वाला मौसम कर दिया था, तो फिर बेटा बोलने लगा कि मैं चावल नहीं खाऊंगा ना ही रोटी, मेरे लिए थोड़ा सा पूड़ी बना दीजिए मम्मी। तो उसे देख करके हस्बैंड जी भी बोले कि मैं दोनों ही खाऊंगा, मिष्टी भी बोलने लगी कि हम लोग दोनों ही खाएंगे। तो बस थोड़ा सा आटा मैं सान करके उन लोगों के लिए पूड़ियाँ बना दी हूँ। वैसे मैं मेरी मिष्टी हम लोग तो राजमा चावल ही खाए थे बस। तो यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म खाना लग गया और ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था, 7:15 ही बज रहा था, लेकिन इतना रात हो गया था और साथ ही हम लोगों ने दिन में भी खाना नहीं खाया था ना, तो जिसके वजह से भूख भी लग गई थी हमें। तो बस आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ, गर्मा गर्म खाना राजमा है, चावल है, साथ ही गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं। और आज का वीडियो डियर यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें। तो बस आज के लिए यहीं तक, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।